लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथील शासकीय दुग्ध डेअरी पुनर्जीवित करणार असल्याचं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी सांगितलंय. उदगीर येथील शासकीय दूध भुकटी प्रकल्प प्रांगणात व्यावसायिक पशुपालक आणि शेतकरी संवाद मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, खासदार सुधाकर शृंगारे, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुमय्या मुंडे, माजी आमदार गोविंद केंद्रे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल केंद्रे, भाजपा जिल्हा अध्यक्ष दिलीपराव देशमुख, प्रादेशिक दुग्ध विकास अधिकारी रितेश मते, माणिक लटपटे तसेच हजारो शेतकरी यावेळी उपस्थित होते. तर यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला म्हणाले, लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथील शासकीय दुग्ध डेअरी पुनर्जीवित करणार आहे. यामुळे परिसरातील पशुपालक शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. तसेच लातूरचे खासदार सुधाकर शृंगारे यांच्या पाठपुराव्याला यश आले. लातूर डिस्ट्रिक्ट में मेरे आने की वजह बहुत ही साफ है. यहाँ के सांसद महोदय हमारे जो सुधाकर जी है, वो कई समय से यहाँ की डेयरी के पुनरुत्थान के लिए मेरे सामने इशू उठाए करते हैं. मेरा उनसे सतत परामर्श होता रहता है. उन्होंने ये आग्रह किया कि अगर आप स्थान पे भी आकर देख लेते तो आपको भी कुछ समस्या सीधी तरह से समझ में भी आ जाएगी. तो उन्होंने बहुत ही परशु करते हुए हमको आज इस डेयरी के प्लांट में सब किसानों के बीच में आने का कार्यक्रम बनाया. मैं उनके बीच में आया, डेयरी के प्लांट को भी देखा, पुराने यहाँ की हिस्ट्री को भी समझा और मुझे ये इतना समझ में आया है कि ये एरिया जो है वो खेती पर निर्भर है. यहाँ कोई इंडस्ट्रीज है नहीं और यहाँ डेयरी का इतना अच्छा प्लांट था. जब देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन का प्रारंभ हुआ तभी यहाँ भी प्रारंभ हुआ था और बहुत ही अच्छा प्लान चलता था. किसी वजह से वो गिर गया है, बंद हो गया है और इसकी वजह से यहाँ के पशुपालकों को दूध के दाम भी नहीं मिल रहे हैं और एक व्यवसाय के तौर पे दूध का व्यवसाय यहाँ बंद है. इसको पुनर्जीवित कराने के लिए भारत सरकार की ओर से आज मैंने उसका जायजा भी लिया है और यहाँ के हमारे सभी नेताओं ने हमें ये आग्रह किया है कि कैसे भी करके इस प्लान को पुनर्जीवित किया जाए. तो मैं भारत सरकार की ओर से ये उदगिरी के प्लान को पुनर्जीवित करने के लिए, मैं तो ये मानता हूँ कभी पुनर्जीवित शब्द बहुत उपयोगी नहीं रहेगा, ताकि आप भी मीडिया में इसको पुनर्जीवित कहेंगे. ये अभी यहाँ नए सिरे से ही नया प्लान शुरू करना पड़ेगा. उसके लिए जो भी करणीय होगा वो हम करें. बिल्कुल बिल्कुल, अभी ना मनाए, जब दूध देने लोग आए तब दिवाली मनाए. मेरा डिस्ट्रिक्ट में 5 साल के अंदर 3 बार बारिश गिरता है या 2 बार सूखा ग्रस्त होता है. ये मैं हमेशा संसद के अंदर बोलता रहा, यहाँ पे भी आप मंच पे मैं बोल रहा हूँ सर. मैं आपके माध्यम से ये डेयरी के लोगों के हाथ को रोजगार मिलने के लिए, ये लोगों का 1 लाख लोगों का विकास होने के लिए, 1 लाख लोगों को दूध उत्पादन करने के लिए, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे डेयरी बनेगी उन लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी, उस माध्यम के लिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ सर कि आप जरूर यहाँ पे एमडीबी के माध्यम से आप यहाँ पे डेयरी चालू करेंगे. मुझे उम्मीद है सर आपसे, आप ये जरूर चालू कर सकते हैं सर. जो भी हमसे जो भी आप पेपर, जो भी भारत सरकार की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, मैं उसके लिए जहां जहां भी जाना चाहिए मैं वहां पे जाऊंगा और आपको जो जो भी पेपर की जरूरत है मैं वो दे दूंगा. इतना ही मैं कहता हूँ यहाँ पे. और सर सबको मैं यहाँ पे बधाई देता, आप लोग सब यहाँ पे आ गए और मैं आपके लिए कर रहा हूँ सर. मेरे लिए कुछ नहीं है ये सब, आपके लिए कर रहा हूँ. मेरे कुछ इधर कॉन्ट्रैक्टशिप नहीं करनी है, ना कुछ पैसा कमाना नहीं है, बस आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए मैं ये डेयरी बनाना चाहता हूँ. तो इसलिए मैं यहाँ पे आदरणीय रूपाला साहब को 10 बार जाकर मिलकर, आदरणीय रूपाला साहब यहाँ पर आए हैं और मेरे संसदीय क्षेत्र में उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. यहाँ पे मेरे डेयरी देखने के लिए क्षेत्र से कोई मिनिस्टर अभी तक आया है तो आदरणीय गडकरी साहब के बाद अगर कोई मंत्री आए तो सर आप ही आए हैं यहाँ पे कैबिनेट मंत्री. मैं बड़ी आशा चाहता हूँ आपसे कि आप ये बिल्कुल ये डेयरी चालू करेंगे, क्योंकि आपको समय चाहिए अभी आधा घंटा बात करने के लिए. इसलिए मैं ज्यादा नहीं बात करता यहाँ पे. जो भी है सर, यहाँ पे एक बड़ी जगह है, 900 एकड़ जगह है सर, वो पशु मत्स्य विज्ञान और विद्यापीठ के अंदर ये चालू हो जाना चाहिए. यहाँ के ये लोगों की मांग है सर,
और देवनी जाति का एक ब्रिड है यहाँ पे सर, उसका ब्रिड का वो ऐसी ब्रिड है सर, यहाँ की ब्रिड है, कोई डिस्ट्रिक्ट में लेकर जा रहा है वहाँ पे उसका ब्रिड निर्माण कर रहा है, उसका यही पे सेंटर बनना चाहिए वो ब्रिड का, और यही पे उसका ब्रिड का उत्पादन होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ, उसका भी यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे और उसको भी मान्यता देंगे। यही बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। प्रतिनिधि असलम शेख, न्यूज़ टुडे 24, उदगीर, लातूर।